हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम निशंक है और फिल्मी गुफ्तगू में आपका स्वागत है। फिल्मी गुफ्तगू पे आपको मिलेंगे फिल्मों से जुड़ी बातें, फिल्म रिव्यूज, एनालिसिस, फिल्मी किस्से और भी बहुत कुछ। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं खास किस्सा एवरग्रीन देवानंद की जिंदगी से जुड़ा हुआ, जब वो बॉम्बे में एक फिल्म स्टार बनने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनके संघर्ष के दिनों में एक ऐसा दिन भी आया जब उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, सर ढकने के लिए छत नहीं थी और चंद रुपयों की खातिर उन्हें अपनी एक अजीज चीज बेचनी पड़ी। चलिए जाने इसके बारे में। अक्सर हम बड़े फिल्म स्टार्स की कामयाबी और उससे जुड़ी चकाचौंध में ज्यादा रुचि रखते हैं। जब फिल्म स्टार्स अपनी फिल्मों की सफलता के बाद एक नई ऊंचाई छू लेते हैं तो हमें लगता है कि इनकी जिंदगी कितनी शानदार है, पर इस बात पर हमारा ध्यान कम ही जाता है कि कई फिल्म स्टार्स ने उस सफलता को पाने के पहले कैसे मुश्किल दिनों का सामना किया। फिल्मों में अपने सफर की शुरुआत करने के पहले देवानंद ने करीब 2 साल बॉम्बे शहर में फिल्मों में काम ढूंढने के लिए काफी मशक्कत की और उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। देवानंद का पूरा नाम था धर्मदेव पिशोरीमल आनंद और वो अविभाजित पंजाब के गुरदासपुर शहर से थे। उनके पिता गुरदासपुर में एक जाने माने वकील थे और देवानंद ने लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से इंग्लिश में बीए किया था। उनके पिता चाहते थे कि वो कोई क्लर्क वाली नौकरी कर ले। ग्रेजुएशन के बाद देवानंद ब्रिटिश आर्म्ड फोर्सेस के रॉयल इंडियन नेवी में जाना चाहते थे, पर उनका चयन नहीं हो पाया। इस बात से निराश होकर उन्होंने तय कर लिया था कि वो बॉम्बे जाकर फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाएंगे। इसके लिए उन्होंने कोई खास तैयारी नहीं की और जेब में महज 30 रुपए और एक अटैची में अपने कुछ खास चीजों को लेकर वो फ्रंटियर मेल के थर्ड क्लास कोच में बैठकर गुरदासपुर से बॉम्बे आ गए। ये साल 1943 का था और उस समय उनकी उम्र सिर्फ 19 साल थी। शुरू में बॉम्बे आकर उन्हें थोड़ी सहूलियत हुई थी क्योंकि उस दौरान उनके बड़े भाई चेतन आनंद बॉम्बे में थे। उस समय चेतन आनंद फिल्म लाइन से नहीं जुड़े हुए थे, बल्कि वो देहरादून के दून स्कूल में एक इंग्लिश टीचर थे। चेतन आनंद ने अपने 2 दोस्तों के यहाँ कुछ दिनों के लिए अपने भाई के रुकने का इंतजाम करा दिया था। इनमें से एक दोस्त का नाम राजा राव था, जो अंग्रेजी के बड़े नॉवलिस्ट थे और कुछ फिल्मी हस्तियों से उनकी जान पहचान भी थी। इसी सिलसिले में उनकी मुलाकात मशहूर स्क्रिप्ट राइटर और डायरेक्टर ख्वाजा अहमद अब्बास से हुई, जो उन दिनों एक जर्नलिस्ट के रूप में काम कर रहे थे। फिर देवानंद ख्वाजा अब्बास के यहाँ जाकर कुछ दिन रुके, जिस दौरान वो फिल्म स्टूडियोज के चक्कर काटने के साथ फिल्मी हस्तियों से मिलने की कोशिश कर रहे थे। करीब 3 हफ्ते बाद उन्होंने तय कर लिया कि वो अपने लिए कुछ और इंतजाम करेंगे। वो ख्वाजा अब्बास की मेहमान नवाजी का अनुचित फायदा नहीं उठाना चाह रहे थे और उन्हें ये चिंता सता रही थी कि वो किसी पर बोझ ना बने और इस बात से उनके आपसी रिश्ते खराब ना हों। अपनी बेरोजगारी के हालात देखते हुए उन्हें शर्मिंदगी भी महसूस हो रही थी और एक दिन सुबह अपना सामान उठाकर उन्होंने ख्वाजा अब्बास को कहा कि वो उनके घर से जा रहे हैं। इस पर ख्वाजा अब्बास ने जब उनसे पूछा कि वो कहाँ जा रहे हैं, तो देवानंद ने अपने मन से बात बनाते हुए कह दिया कि उनके शहर के एक दोस्त ने उन्हें अपने पास रहने के लिए बुलाया है, और ख्वाजा अब्बास को अलविदा कहते हुए वो उनके घर से चल दिए। तब तक जो भी पैसे लेकर वो घर से आए थे, वो सारे पैसे वो खर्च कर चुके थे। देवानंद की जेब खाली थी, पर उन्हें अंदर से एक विश्वास था कि उनको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो दिन लंबा था, पर देवानंद भी जोश से भरे हुए थे। उनके जेब में बस चंद आने ही बचे हुए थे, जिनको उन्होंने बस की एक सवारी में खर्च कर दिए। फिर एक जगह बस से उतरकर वो कहीं जाने लगे, पर तभी उन्हें जोरों की भूख लग गई। उन्होंने अपनी जेब को अच्छे से टटोला कि शायद उनकी किस्मत मेहरबान हो और कहीं कोई सिक्का जेब के किसी कोने में अभी भी छुपा हो, पर अफसोस की बात थी कि उनके हाथ कुछ ना आया। फिर देवानंद को थकान सी होने लगी और उनके हाथ में जो अटैची थी उन्हें और भारी लगने लगी। सड़क पर उन्होंने आते जाते लोगों को देखा। वहां सड़क के किनारे उन्होंने कुछ दुकानों को देखा जिनमें रोजमर्रा के सामान और कुछ खाने पीने की चीजें मिल रही थी। फिर उनकी नजर एक फल वाले पर पड़ी और उनकी भूख और तेज हो गई। उसी समय उन्होंने देखा वहां एक शख्स दुनिया भर से जमा किए गए पोस्टल स्टैम्प यानी डाक टिकट बेच रहा था। वो डाक टिकट वाला एक खरीदार से मोल भाव कर रहा था और अचानक से देवानंद को उम्मीद की एक किरण दिखी। उन्हें याद आया कि उनकी अटैची में एक डाक टिकट का एल्बम है जिसमें उन्होंने कई सालों से विश्व भर के नए पुराने डाक टिकट जमा किए थे और जो उनके लिए एक अनमोल खजाना था।
ये डाक टिकट का एल्बम उनके लिए इतना खास था कि जब वो घर से 30 रुपए लेकर चले थे तो अपने साथ वो सिर्फ इस डाक टिकट के एल्बम को एक खजाने के रूप में लेकर आए थे। कहते हैं कि भूख किसी इंसान के लिए ऐसी चीज है कि जरूरत पड़ने पर वो अपनी अजीज से अजीज चीज से जुदा होने के लिए राजी हो जाता है, जिससे कि उसकी भूख मिट सके। और देवानंद को भी यही करने पर मजबूर होना पड़ा, क्योंकि उस समय उनके पास और कोई चारा नहीं था। उन्होंने अपनी डाक टिकट वाली एल्बम से एक पन्ना चुना और उस डाक टिकट वाले से कहा कि तुम डाक टिकट बेच रहे हो और ये भी बिकाऊ है। उस डाक टिकट वाले ने देवानंद के हाथ से एल्बम लेते हुए और बारीकी से देखा कि उनके डाक टिकट का संग्रह कैसा है। इसी दौरान उन्हें भूख के साथ अब प्यास भी लगने लगी थी। उन्हें उस पल में लगा कि अगर उनके पास पैसे होते तो वो लेमन सोडा और ऑरेंज सोडा पीकर अपनी प्यास बुझा लेते, पर उस समय तक तो उनकी जेब खाली ही थी। उन्होंने उस डाक टिकट वाले को कहा कि अगर वो उन्हें एक अच्छा सौदा देगा तो वो कुछ डाक टिकट बेच सकते हैं। इस पर डाक टिकट वाले ने कहा कि वो ऐसे टुकड़ों में सौदा नहीं करता है। देवानंद ने उससे कहा कि वो मजबूरी में ही अपनी डाक टिकट बेच रहे हैं और उनको चंद डाक टिकटों का मोल बताया जाए। फिर डाक टिकट वाले ने कहा कि वो पूरे एल्बम का उन्हें 20 रुपए दे सकता है। देवानंद को लगा कि ये दुकानदार बहुत कम मोल लगा रहा है और उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं बेचना है। ये कहकर वो जाने लगे, पर उन्हें प्यास भी जोरों की लग रही थी। और पास ही एक दुकान में उन्होंने देखा कि केले बिक रहे थे, जिसे खाने की भी उन्हें बहुत इच्छा हुई। वहां वो डाक टिकट वाला भी उनका एल्बम खरीदने में कोई खास रुचि फिर नहीं दिखा रहा था। देवानंद ने वापस उससे कहा कि उनका संग्रह बहुत रेयर यानी दुर्लभ है और वो एक बार फिर से सोच ले। इस पर दुकानदार ने कहा कि वो 25 रुपए दे सकता है, जिस पर भी देवानंद नहीं माने। आखिरकार उनका सौदा 30 रुपए पर जाकर तय हुआ और देवानंद ने अपने अनमोल खजाने को अलविदा कहा। फिर देवानंद ने फटाफट सोडा वाले के पास जाकर लेमन सोडा और ऑरेंज सोडा लिया। साथ ही उन्होंने केले बेचने वाले को 2 केले देने के लिए कहा। जल्दी से उन्होंने अपनी भूख और प्यास बुझाई और थोड़ी चैन की सांस ली, पर तुरंत ही उन्हें बहुत अफसोस भी होने लगा कि उनके जीवन भर का खजाना एक झोंके में उनसे जुदा हो गया। उस समय उन्हें पता नहीं था कि कहाँ जाना है और ना उनके पास सर ढकने के लिए कोई जगह थी। अचानक रोड के बीच में खड़े होकर वो सोचने लगे कि उन्हें शायद ख्वाजा अब्बास को झूठ नहीं कहना चाहिए था। वो वहाँ कुछ और दिन रुक सकते थे और वैसे भी ख्वाजा अब्बास ने उन्हें वहाँ से जाने के लिए नहीं कहा था। इसी उधेड़बुन में एकदम से कई गाड़ियों की हॉर्न की आवाज़ उन्हें सुनाई देने लगी और उन्हें एहसास हुआ कि उनके चलते सड़क पर जाम लग रहा था। गाड़ियों में आते जाते लोग भी उन्हें जोर जोर से भला बुरा कहने लगे। देवानंद भी थोड़ा हैरान परेशान हो गए और ये सब उलझन के बीच में अचानक से उन्हें आवाज़ सुनाई दी, देव यहाँ, मैं यहाँ हूँ देव, देव। वो आसपास देखने लगे कि ये आवाज़ आखिर आई कहाँ से। वहीं उस समय ट्रैफिक से बचने के लिए वो सड़क के किनारे आ गए और पीछे से एक आवाज़ आई, देव मैं हूँ तारा। देवानंद ने भी उस शख्स को पहचान लिया और गले लगा लिया। दरअसल वो शख्स भी देवानंद के शहर गुरदासपुर से ही था और उनके स्कूल के समय की जान पहचान थी। दोनों काफ़ी सालों बाद मिल रहे थे। बॉम्बे जैसे बड़े और अनजान शहर में इस तरह किसी का मिल जाना किसी हिंदी फिल्म की सीन से कम नहीं था। तारा ने देवानंद से पूछा कि वो बॉम्बे में क्या कर रहे हैं और जवाब में देवानंद ने कहा कि वो काम ढूंढ रहे हैं। और तारा ने हंसते हुए कहा कि उनका भी यही हाल है। फिर उन्होंने देवानंद से पूछा कि वो कहाँ जा रहे हैं और देवानंद ने अपनी अटैची दिखाते हुए कहा कि पता नहीं। देवानंद ने पूछा कि उनका घर कहाँ है तो तारा ने कहा कि वो बॉम्बे के एक चौल में अपने बड़े भाई के साथ रहते हैं जो नेवी में है और उनका भाई अक्सर आते जाते रहता है। तारा ने देवानंद से कहा कि वो चाहे तो उनके साथ आकर रह सकते हैं। उस समय देवानंद को थोड़ी झिझक हुई कि पता नहीं तारा के बड़े भाई क्या सोचेंगे। इस पर तारा ने कहा कि उनके भाई को खुशी ही होगी अगर देवानंद उनके साथ आकर रहेंगे। इसके बाद देवानंद ने अगले कुछ महीने उसी चौल में बिताए। तो ये था किस्सा देवानंद के संघर्ष के दिनों में से एक खास दिन का, जब वो भूख प्यास से बेचैन थे, उनकी जेब खाली थी और उनके पास सर ढकने की जगह भी नहीं थी। पर किस्मत उस दिन देवानंद पर कुछ खास मेहरबान हुई और ऐसा लगा कि उनके दोस्त को उस पल में शायद ऊपर वाले ने ही उनकी मदद के लिए भेजा था। सफलता की ऊंचाइयों को छूने
और शोहरत की बुलंदियों को हासिल करने के बावजूद ये खास दिन देवानंद के जहन में हमेशा के लिए छप गया, जिसके बारे में देवानंद ने अपनी आत्मकथा रोमांसिंग विद लाइफ में साझा किया था। तो आज के लिए बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि फिल्मी गुफ्तगू की तरफ से ये खास पेशकश आपको पसंद आई होगी। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और फिल्मी गुफ्तगू से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही हमें ऐसे और वीडियोस लाने का मोटिवेशन मिलता रहेगा। आप फिल्मी गुफ्तगू के बाकी वीडियोस को भी जरूर चेक करें। फिल्मी गुफ्तगू को आप फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। जल्दी आपसे मिलते एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।